मैं परसोना इंडिया हॉट टॉपिक की सीरीज ये जिंदगी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। ये जिंदगी लाइव सच्ची घटनाओं पर आधारित एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने मुसीबतों से डटकर सामना कर एक मुकाम हासिल किया है। आज इस डिजिटल भारत में जहाँ औरतों ने अपना अस्तित्व स्थापित कर अपने परिवार और देश का नाम रोशन किया है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नजरों में औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए और घर का चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी है। ऐसी ही तकलीफों से जूझ रही इंदु, जो तिलक नगर के आसपास ई रिक्शा चलाकर अपना घर चलाती हैं, अपने परिवार की सीधी सादी बहू कहलाने वाली इंदु ने जब देखा कि घर चलाने में उसके पति को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो उसने सारी लाज शर्म रिश्तेदारों को पीछे छोड़ रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मेरा नाम इंदु है, मैं तिलक नगर में रहती हूँ, दिल्ली। मेरे इन-लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, सब हैं। मैं 12th तक पढ़ी हुई हूँ, शादी हो गई थी जल्दी। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली प्राइवेट जॉब है, अब पता 14-15 हज़ार रुपये में गुजारा होता नहीं है। आजकल सब बच्चों को एजुकेशन चाहिए अच्छी, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहाँ भी फीसेस बहुत हैं, उनको ट्यूशन्स भी चाहिए। ये टेंशन भी दिमाग में बहुत रहती थी, भाई किसी से पैसे लिए हैं वो भी देने हैं हमें। फिर मैंने खुद ही चलाना स्टार्ट करा धीरे धीरे करके। थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा डर भी लगता था, थोड़ी झिझक भी होती थी, लोग अलग निगाहों से देखते थे कि मतलब पता नहीं क्या कर दिया मैंने। कई तो बहुत अच्छे हैं कि अपनी मतलब कि पहले मैं खड़ी हो जाऊँ तो मेरा रिक्शा भरवाते हैं, और कई हैं कि बहुत जल्दी फील करते हैं मतलब कि क्यों आ गए हो तुम, घर पे क्यों नहीं बैठते हो, घर का काम करो, ये क्यों कर रहे हो काम, मैं तुम्हें क्या मतलब, हम जो मर्जी कर, तुम अपनी सवारी भर, हम अपनी भर रहेंगे। धीरे धीरे करके मतलब काफ़ी अच्छे मतलब रेगुलर सवारी बनने लग गई मेरी, उनसे बातचीत होने लग गई, तो थोड़ी दहशत सी खुलती चली गई। फिर मैं अब मतलब आवाज़ दे के सवारी भी बुला लेती हूँ, फिर रेगुलर सवारी मेरा वेट कर रही होंगी। कई हैं फ़ोन से भी कनेक्ट है मेरे तो फ़ोन करती हैं कि मैडम हम यहाँ वेट कर रहे हैं, आप कहाँ हो। उस समय बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। जहाँ मैं स्टॉप पे खड़ी होती हूँ वहाँ खड़े नहीं होने देते थे। मैं स्टार्टिंग में रो पड़ी थी बहुत ज़्यादा कि बिल्कुल मैं ये काम ना करूँ, लेकिन फिर मैंने लगा कि मैं इनकी सुन रही हूँ ना, इसलिए मुझे सुना रहे हैं ये। फिर मैंने उनको सुनाना शुरू करा तो वो सारे चुप हो गए। अब वो कोई मुझे कुछ टोकता नहीं है, ना यहाँ खड़े होने से, ना तिलक नगर खड़े होने से। खासकर लेडीज़ जो बैठती हैं मेरे पास आकर, वो काफ़ी मतलब अच्छा फील करती हैं मेरे साथ बैठ के कि मुझे हमें बहुत अच्छा लगता है आप चलाते हो। एक अच्छा लगता है कि लेडीज़ आगे बढ़ रही है, ज़्यादातर लेडीज़ और सवार छोड़ के रिक्शे मेरे पास आ जाती हैं। उस समय मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ कोई तो दे रहा है, मेरे साथ अपने ऊपर डिपेंड है हम, हमें अपने हस्बैंड के आगे हाथ नहीं फैलाना बार बार कि जी हमें ये चाहिए, जी हमें वो चाहिए। उनके पास होगा तो वो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास है, मैं अपना भी ध्यान रख सकती हूँ, अपने बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ। कभी कोई शादी भी आया या कुछ भी है तो लोगों को मुँह देखना पड़ता था, भाई पैसे नहीं, बच्चों के लिए कपड़े कहाँ से लाए हम। अब मैं कमा रही हूँ तो बच्चों के लिए अच्छा से अच्छा देती हूँ, उनको पहनने के लिए, खाने पीने के लिए। मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ। मैं 2-2.5 घंटे चलाती हूँ, जो भी है 600-700 जो कमाती हूँ उसमें संतुष्ट हूँ मैं। काम कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हो, काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम किसी आगे झुक नहीं रहे हैं, ना किसी से चोरी कर रहे हैं। दोस्तों बात बड़ी सीधी सी है, अगर आप में कुछ कर दिखाने की चाह और वो जज्बा है तो कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, हर एक वीडियो का मजा लीजिए।